डेजीज हेल्दी किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं पिंडी चना, जो कि नॉर्थ इंडिया की बहुत ही फेमस डिश है। इसे बनाने के लिए सारे सूखे मसाले यूज होते हैं और ये बनाने में जितनी आसान है खाने में उतनी ही ज्यादा टेस्टी है। इसके लिए सबसे पहले मैंने चनों को बॉईल किया है। चनों को बॉईल करने के समय मैंने उसमें 2 टी बैग्स डाले थे, जिसके कारण इसका कलर थोड़ा ब्लैक आ गया है। इसके लिए हमें चाहिए नमक, लाल मिर्ची पाउडर, पिसा हुआ धनिया पाउडर, भुना हुआ जीरे का पाउडर, गरम मसाला, चना मसाला, थोड़ा अदरक जो कि मैंने स्ट्रिप्स में काटा हुआ है, ऑयल और अनारदाना पाउडर। गार्निशिंग के लिए हमें चाहिए धनिया, प्याज, टमाटर और थोड़ी सी हरी मिर्च। सबसे पहले हम ऑयल को कढ़ाई में डालेंगे। अब इसमें अदरक डालेंगे। अब हम अदरक को थोड़ा सा भुनेंगे। अब इसमें सारे मसाले डाल देंगे, नमक, रेड चिल्ली पाउडर, सूखा धनिया, साथ साथ में इनको हिलाते भी जाइए, जीरा पाउडर, गरम मसाला, चना मसाला, इनको अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसमें अनारदाना पाउडर डालेंगे और साथ ही चने डाल देंगे। चने डालने के बाद इसको सब मसालों के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे। हमारे चने झटपट से तैयार हो गए हैं। देखिए ये बनाने में कितने इजी हैं, खाने में उतने ही टेस्टी हैं, क्योंकि इसमें मसाले के फ्लेवर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से आते हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे बाउल में। देखिए ये हमारे चने तैयार हो गए हैं। अगर आप इसको तंदूरी अरोमा देना चाहते हो तो इसमें 1 चम्मच देसी घी और 1 चम्मच ऑलिव ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लो। ये देखिए अच्छी तरह से गर्म हो गए हैं। अब हम इसको चने के ऊपर डाल देंगे। अगर आप ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। अब हम इसको गार्निशिंग करेंगे अनियंस के साथ, थोड़े से टमाटर डाल दीजिए, हरी मिर्च, और ऊपर से धनिया डाल देंगे। हमारा पिंडी चना तैयार हो गया है। आप इसे किसी भी चीज के साथ खा सकते हो, जैसे कुलचे के साथ, भटूरे के साथ, नान के साथ या लच्छा परांठे के साथ।